वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स। बहुत ये अवेटेड वीडियो था और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एग्जाम डेट्स को लेकर सर एक वीडियो बनाइए, क्या एग्जाम होगा, कब होगा, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा र्यूमर हो रहा है और लाजमी है होना भी, क्योंकि कुछ कुछ मतलब इश्यूज हो गए हैं तो उसके कारण से एग्जाम डेट से फिर से क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो बच्चों का मतलब मोरल और जो भी कहेंगे मोटिवेशन थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता ही इन सब चीज़ों पे। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं एग्जाम डेट्स को लेके और ये हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, ये सब नहीं कि मतलब हमने सुना है ये दिस दैट। ओके, सो ये देखिए अभी जो मार्केट में चल रहा है ये भावनात्मक बातें चल रही है ना कि मेरी बात हुई है, मैंने सुना है, मुझे लगता है। इससे क्या हो रहा है कि कोई मतलब एक सटीक कंक्लूजन पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कभी दिमाग में रह ही जा रहा है ना। जब तक जैसे सीजन ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दे तब तक तो मतलब दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा ही, और अभी किसी के पास मतलब कोई 100% गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता है ना। ये मतलब बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है इस टाइम कि मतलब किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे सीजीएल के एग्जाम डेट्स कब होंगे, है ना, एकदम प्रैक्टिकली मतलब जेएससी के पुराने इतिहास को देखकर मतलब कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, ये बहुत मतलब पॉसिबल है। ओके, हम देखिए इसमें लेट्स एनालाइज थ्री रिसेंट एग्जाम्स ऑफ जेएससी। एक अभी जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ था नगर पालिका का, फिर अभी जो डिप्लोमा का एग्जाम हुआ, एक पीजीटी का एग्जाम हुआ, ये तीनों एग्जाम मतलब अभी रिसेंटली जेएससी ने कंडक्ट कराए हैं। तो हम इन तीनों का एनालिसिस करते हैं। इसकी एग्जाम्स की एक साइकिल होती है ना, जब भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद मतलब कुछ कुछ मतलब प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, उसके बाद जाके फाइनली एग्जाम कंडक्ट होता है ना। तो अभी ये सब चीज, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर था इन तीनों एग्जाम का तो कैसा था, उससे हम आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम्स आपके कब होंगे। ओके, अब देखिए जो म्यूनसिपल का एग्जाम था यानी कि नगर पालिका का, तो हम चार बिंदुओं पे बात करेंगे। रिजेक्शन लिस्ट का डेट कब आया था, है ना, नोटिफिकेशन और उसके फॉर्म भरने की डेट हमें कोई मतलब नहीं, हम रिजेक्शन लिस्ट को देखेंगे। स्क्राइब का नोटिस कब आया था, मतलब कि लिपिक, है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। एडमिट कार्ड का नोटिस कब आया था और एग्जाम डेट्स कब हुआ था, ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे नाम एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन में पहुंचा जा सकता है। तो म्यूनसिपल का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजेक्शन लिस्ट आई थी 21 सितंबर को, ये मैंने जेएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब मैंने एक एक को एनालाइज किया उसके बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूं। तो म्यूनसिपल के जो रिजेक्शन लिस्ट थी वो 21 सितंबर को आई थी, उसकी स्क्राइब की नोटिस आई 10 अक्टूबर को, दैट मींस कि 20 डेज का यहां पे मतलब गैप था। ओके, उसके बाद फिर 10 दिनों के बाद एडमिट कार्ड आ गया, 10 डेज, उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये आपका एग्जाम डेट था, है ना। तो एग्जाम से एक हफ्ते पहले इन्होंने एडमिट कार्ड का मतलब इशू कर दिया था नोटिस, उसके मतलब 10 दिन पहले इन्होंने स्क्राइब का किया था, उससे मतलब 20 दिन पहले ये आपका रिजेक्शन लिस्ट का किया था। ओके, डिप्लोमा में क्या किया कि इन्होंने रिजेक्शन लिस्ट और स्क्राइब नोटिस दोनों एक साथ दिया था। ओके, 14 अगस्त को ही, उसके बाद 15 दिनों के गैप पे एडमिट कार्ड को इशू कर दिया था इन्होंने, उसके बाद फिर 3 दिनों के जस्ट इंटरवल पे इनका एग्जाम मतलब शेड्यूल था, 2 सितंबर से लेके लंबा चला था कुछ एग्जाम, है ना। पीजीटी का देख लेते हैं तो ये 7 जून को इनका रिजेक्शन लिस्ट आया, उसके बाद स्क्राइब नोटिस 24 जुलाई को। इससे मतलब कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं निकाला जा सकता, ये दोनों एग्जाम्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये गुड केस सिनेरियो है और ये बैड केस सिनेरियो है। ओके, अब देखिए कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो हमने देखा कि आपके डिप्लोमा पीजीटी और जो आपका ये था नगर पालिका का एग्जाम, उससे एक चीज समझ में आ गया कि रिजेक्शन लिस्ट से लेके एडमिट कार्ड जो नोटिस आता है उसमें मिनिमम 15 डेज लिया है जेएससी ने, है ना, और मैक्सिमम 2 मंथ्स लिया है। 2 मंथ्स कहाँ लिया था, पीजीटी में लिया था, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इसको पकड़ के चलते हैं ना। लेकिन आपके जो डिप्लोमा वाले एग्जाम थे, ये सॉरी म्यूनसिपल वाले एग्जाम थे, इसमें देखिए रिजेक्शन लिस्ट आया था 21 सितंबर को और आपका ये एडमिट कार्ड आया था 20 अक्टूबर को, यानी कि 1 महीने का गैप था। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम 15 डेज मान के चलते हैं डिप्लोमा को। एग्जाम डेट्स एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम डेट, मतलब कितने एग्जाम से कितने दिन पहले एडमिट कार्ड इन्होंने इशू किया है, तो 3 दिन पहले इशू कर दिया था डिप्लोमा का, ऐसे मैक्सिमम 1 वीक इनका रहता है ना, 1 वीक इनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओके, अब देखिए अब अगर जेएससी सीजीएल एग्जाम डेट्स का एनालिसिस करते हैं, तो जैसे एग्जाम लेने की कुछ कुछ प्रक्रिया होती है ना, तो प्रक्रिया 2 तरह से पूरी होती है, एक होती है कि नॉर्मल प्रोटोकॉल जो कि ये है, एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल कि मतलब हर्बर में अंडर प्रेशर मतलब एग्जाम लेना है, कैसे भी करके एग्जाम लेना है, तो जेएससी इस रास्ते को अपनाएगी। अगर नॉर्मली प्रोटोकॉल देखा जाए एग्जाम कंडक्ट करने का, तो ये प्रोटोकॉल था, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि एडमिट कार्ड आपके मतलब 1 हफ्ते पहले तो आएंगे, क्योंकि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 3 दिन पहले, यानी कि मान के चल आपके एग्जाम से 16 दिसंबर को है ना, तो ये बालों को इशू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स है, अराउंड 5 लाख प्लस है ना। 3 दिन पहले इशू किया तो बहुत को तो पता ही नहीं चलेगा कि एडमिट कार्ड आ गया, उनका एग्जाम ऐसा ही छूट जाएगा, तो ये जेएससी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है। तो आपके मिनिमम 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड्स आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो दैट मीन्स कि 9 से 10 दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड्स आने ही आने हैं ना, दोनों केस में, नॉर्मल में भी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल भी, दोनों अगर जेएससी फॉलो करती है। ओके, लेकिन यहाँ रिजेक्शन लिस्ट आपके 10 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आ जाने चाहिए थे, अगर नॉर्मली देखा जाए तो एटलीस्ट एडमिट कार्ड से 20 डेज का मतलब उनको टाइम चाहिए होता
है ना, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये आपका 10 से मतलब आज हो गया आपका 16 तारीख, तो मान के चलते आज से लेके 20 तारीख तक वेट कर लेते हैं ना। अगर 20 को भी नोटिफिकेशन रिजेक्शन लिस्ट अगर 20 तक भी नहीं आता है तो दैट मीन्स कि जेएसएससी आपके एक्सट्रॉर्डिनरी प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाली है अंडर प्रेशर, फिर जो भी आप कहें कि मतलब एग्जाम्स लेने की कोशिश करेगी। तो अगर 21 से 25 नवंबर तक रिजेक्शन लिस्ट आता है तो फिर ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोटोकॉल में चला जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी होंगी, है ना। अगर रिजेक्शन लिस्ट आपका 25 नवंबर तक नहीं आता है ना, तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया आपकी गारंटीड, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। अगर 25 नवंबर तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया तो फिर इसमें मतलब समझिए कि ऑटोमेटिक आपके एग्जाम्स आगे जा चुके हैं ना, जेएससी ऑफिशियली नोटिफाई करे या ना करे, आप समझिए कि एग्जाम्स आपके आगे जा चुके हैं। ऐसे मुझे लगता है कि जेएससी जल्द से जल्द आपकी रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगी या तो फिर आपको नोटिफाई करेगी, है ना। छठ पूजा खत्म होते के साथ आई थिंक करना चाहिए, या तो उससे पहले भी कर सकती है कि आपके एग्जाम्स पे उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, वो 16-17 को लेंगे। अगर रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है अगर 10 से 20 वाला, तो उसके बाद ही बहुत सारे चैलेंजेस, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या जैसे सीजीएल के सामने है ना, कि एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। तो बाकी जो एग्जाम्स हुए थे जैसे सीजीएल के, तो लेस स्टूडेंट्स वहां पे, है ना, लेस पॉपुलर था, कोई हाइप नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा हाइप एग्जाम नहीं थे। बट जैसे सीजीएल के साथ क्या है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, 5 लाख प्लस। अगर आपका रिजेक्शन लिस्ट आ भी जाता है ना, मान के चलिए आज रात में आ जाता है, 16 से लेकर आपका 20 तक या 25 तक जब भी आ जाता है, तो आपको मतलब ये चैलेंज होगा बहुत जेएसएससी के लिए, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड एग्जाम है ना, मोस्ट हाइप, इसकी बहुत पॉपुलैरिटी, 8 साल से लोग वेट कर रहे हैं और इसका मतलब बहुत इंतजार किया जा रहा है, और मतलब ये अब तक का मतलब सबसे बड़ा वैकेंसी है ये। मतलब इसको कंडक्ट करा लेना सक्सेसफुली इज नथिंग लेस देन वर्ल्ड कप, यस सीरियसली। अगर ये जेएसएससी अच्छे से मतलब कंडक्ट हो जाता है और एकदम टाइमली हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इवन मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, 2000 प्लस सीट्स हैं यहाँ पे, और अभी तक झारखंड के इतिहास में इतने बड़े सीट्स हैं, और सब के सब अच्छे अच्छे सीट्स हैं, सीआई के, एएसओ के, बीएसओ के, फिर और भी बहुत सारे सीट्स हैं, तो मतलब एक से एक सीट्स है इसमें। और अगर ये जो अदर एग्जाम्स है ना, ये तो इनको मतलब इसमें इट्स लाइक ऑर्डिनरी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, लेस पॉपुलर एग्जाम्स हैं, स्टूडेंट्स कम थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। अब इसमें देखिए कि जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा, ये दूसरा चैलेंज है ना। रिजेक्शन लिस्ट अगर आपका आता है तो नॉर्मल रिजेक्शन लिस्ट आएगा, एक आएगा शॉकिंग रिजेक्शन लिस्ट, है ना। नॉर्मल में क्या होगा कि 5 से 10 हज़ार बच्चे रिजेक्ट हो गए, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, रिजेक्ट हो गए तो ठीक है। इसमें क्या होगा शॉकिंग में, 10,000 प्लस अगर स्टूडेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब जो भी आपके फॉर्म भरे, अराउंड 8 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं ना, जैसा कि मैंने सुना है, एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, लेकिन 8 लाख के आसपास मतलब फॉर्म आपके गिरे हैं, तो उसमें मान के चले कि 10,000 प्लस रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बहुत कम चांस है कि 5 से 10 हज़ार बच्चे रिजेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत पता चल रहा है कि मतलब हज़ारों में, मतलब मैं तो सुन रहा हूँ कि लाखों में मतलब 1-1.5 लाख मतलब रिजेक्ट हुए फॉर्म, पता नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन मतलब इससे तो ज़्यादा है, 10,000 प्लस रिजेक्शन लिस्ट आएगी, वेरी हाई चांस है ना, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर ये 10,000 प्लस रिजेक्शन लिस्ट आते हैं ना, तो ये कैन इफेक्ट द एग्जाम डेट, इसमें फिर से एग्जाम डेट्स मतलब अफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें है कि इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 20 डेज के इंटरवल पे आराम से इजिली एग्जाम कंडक्ट करा लिया जा सकता है। इसमें सपोज चैलेंज क्यों आएगा कि अगर मान के चले कि 25,000 स्टूडेंट्स मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं ना फॉर्म में, तो इसमें ऑब्वियस बात है ना कि जो जेन्युइन होंगे, जिनको एग्जाम देना था, किसी ना किसी गलती की वजह से उनका एग्जाम रिजेक्ट मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी का फोटो ब्लर रह गया, किसी का साइन मतलब गलत था, या फिर किसी का फीस पेमेंट, तो ऑब्वियस बात है वो जेएसएससी को मतलब अप्रोच करेंगे कि सर प्लीज हमें एक चांस और दे। तो अगर ये अप्रोच करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर मतलब आपको मतलब 10 डेज तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा जेएसएससी को, है ना। तो 10 डेज मिनिमम यहाँ पे लग ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना। अगर ये लार्ज रिजेक्शन लिस्ट आ गया ह्यूज, तो मतलब इंपैक्ट कर सकता है, फाइन। तो ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करने वाली बात होगी कि रिजेक्शन लिस्ट आता है तो कब आता है। दो चैलेंजेस है, एक तो मतलब रिजेक्शन लिस्ट आपका मतलब 20 तक आ जाना चाहिए, है ना, और 20 तक आता है तो ये कौन से कैटेगरी का रिजेक्शन लिस्ट आता है, नॉर्मल कैटेगरी का आता है या शॉकिंग कैटेगरी का आता है ना। शॉकिंग कैटेगरी का आया तो इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस बात है, एग्जाम डेट्स को इफेक्ट करेगा, बिकॉज सबके सब अप्रोच करेंगे, कोई भी अप्रोच करेगा। सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट जो भी मतलब एग्जाम मतलब जिसने फीस दिया या फिर जिसने इसकी तैयारी की है, अगर उसका किसी भी कारण से फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो ही विल डेफिनेटली अप्रोच जेएसएससी कि सर हमें प्लीज मतलब मौका दिया जाए। तो जेएसएससी आई थिंक उनको मौका देगी, तो उनको 10 दिन मतलब यहां मान के चलते कि एक्स्ट्रा मिल सकता है। ओके, अब इसमें दो कैटेगरी स्टूडेंट्स है, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए, है ना। तो दो कैटेगरी स्टूडेंट्स है, एक जिनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो 16-17 को ही मान के एग्जाम मतलब तैयारी कर रहे हैं, किसी का 16-17 से आगे जाएगा कितना जाएगा, 10 से 15 दिन आगे जाएगा, है ना, 10 to 15 days, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोले कि एग्जाम आज हो या फिर 10 दिन के बाद होना तो है ही, तो वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, आप अच्छे से पढ़िए। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं कि जो मतलब थोड़े से पैनिक कैटेगरी के होते हैं, जो मतलब जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा उनका मनोबल थोड़ा टूट जाता है, तो बोले मैं वेट करेगा, है ना, कि 20 नवंबर तक मैं देखता हूँ कि रिजेक्शन लिस्ट आपका आता है कि नहीं, है ना। रिजेक्शन लिस्ट आता है तो किस कैटेगरी का आता है, तो वो वेट करना चाहेंगे जेएसएससी जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं कर दे कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम्स आपके कब होंगे, है ना, तो वेट करने बोल रहे हैं।
और ऐसे भी अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी छठ पूजा का समय है, तो मैक्सिमम लोगों के घर में छठ पूजा हो रही होगी, तो मतलब वो ऐसे भी मतलब अभी 3-4 दिन तो मतलब मैक्सिमम लोग जिनके घर में पूजा हो रही हो तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आप एक काम करिए, जो भी मतलब इस कैटेगरी में है ना, जो भी मतलब चाह रहे कि नहीं, मैं जब तक क्लियर नहीं हो जाता है कि 16-17 का एग्जाम हो गया कब होगा तब तक मैं अब नहीं पढ़ूंगा, तो आप क्या करिए कि इन बचे हुए दिनों में ना आप सर्च योर प्लान बी, है ना, ये काम जरूर कर लीजिए। अगर आप किताब छूने का आपका मन नहीं कर रहा है, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मतलब नहीं पढ़ने का मन कर रहा होगा, है ना, मोरल डाउन हो गया होगा कि यार एग्जाम कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं, कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, तो उस केस में दिमाग मेस्डअप हो जाता है। तो उस केस में आप क्या करिए कि प्लान भी डिस्कस कर लीजिए। तो प्लान भी आप एक जरूर सोचिए, किसी भी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, आपने मुहावरा सुना होगा ना। अगर आप जॉब में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो इट इज अ हाई टाइम, ये एकदम सीरियस टाइम है कि आपको सोचना चाहिए कि जेएसएससी सीजीएल के अलावा आप कौन से मतलब क्षेत्र में जाकर नौकरी ले सकते हैं ना। अगर गवर्नमेंट एग्जाम लेना है तो प्राइवेट के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास 11th जेपीएससी है ना, दूसरा ऑप्शन क्या है कि बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल अभी आने वाला है, तीसरा क्या है बिहार एसआई अभी आ गया, फिर एक और आने वाला है, एक और अभी मतलब 60 सीट में कुछ आया हुआ है, फिर चौथा क्या है यूपी पीसीएस, है ना, यूपी पीसीएस 2024 जो कि आने वाला है, बहुत अच्छी सीट आ रही है यूपी पीसीएस में, तो ये सब कुछ कुछ मतलब आपके, और फिर कोई बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, फिर सेंट्रल एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स है, ये आपको देखने वाली चीज होगी, है ना, कि आप मतलब कौन से मतलब प्लान बी में जाना चाहते हैं जैसे सीजल के अलावा। ओके, तो ये 4 दिनों में आप डिसाइड कर लीजिए उस चीज को। ओके, अभी आपका आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आपके एग्जाम्स को क्या है किंतु परंतु कुछ नहीं है, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, है ना, जेएसएससी एग्जाम लेती है नहीं लेती है कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, अभी कोई ऑथेंटिक आपको नहीं बोल सकता है, इट इज अ मैटर टू वेट एंड वॉच, तो आपके कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि 28 नवंबर तक आपके क्लियर हो जाने चाहिए, है ना, कि ऑफिशियली कि कब क्या होगा कैसे होगा सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, और ये झारखंड जीके और झारखंड करेंट की बहुत शानदार मतलब हमारी बुक आ गई है, ये ऐप पे अपलोडेड है, 30 सितंबर तक अपलोडेड है, फाइन, ये 30 सितंबर तक ही, इसको अपडेट करके हम 16 नवंबर तक अपडेट करेंगे, है ना, ऐप पे अपलोड कर दी जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अलग से, बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर इसको अलग से लाइए, तो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब हमारी एक पब्लिशर के साथ मतलब बात हो गई है, तो इसको हार्ड कॉपी मिलाना चाहते हैं, तो दैट इज वाई वी आर, इसको हम अलग से अभी नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं ये एग्जाम्स आपके कब होंगे ना, अगर 16-17 को होते हैं तो फिर हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कब होंगे, ये पता चल जाएगा आई गेस कि 3 से 4 दिन आप रुक जाइए, है ना, कोई कुछ भी बोले मेरी उससे बात हुई उससे बात हुई, अभी किसी के पास कोई खबर नहीं, कोई ऑथेंटिक नहीं बता सकता है, एकदम प्रैक्टिकल एनालिसिस हमने किया है, 3 से 4 दिन आपके क्लियर हो जाएंगे एकदम कि एग्जाम्स आपके कब होंगे, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। और ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प स्पेस में मतलब हमने एकदम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड दिया है, जो भी हमारे अंतिम प्रहार माही सीरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे इस नोट्स को, इसमें बस 2 चैप्टर बचा हुआ अपलोड करना, उसके बाद ये फुल फ्लेज मतलब कंपाइल करके पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प स्पेस, हम एक पीवाई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइन क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं हर चैप्टर के बाद, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इस किताब, ये किताब मात्र 40 पेजेस में, अभी झारखंड करेंट की एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, वही चीजें हैं जो कि एग्जाम से पूछी जाती है, दुनिया भर की चीजें हमने नहीं दे दी है, जैसे सपोज दैट कि इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे कि हमने एक पेज में इसको खत्म किया है, बिकॉज नहीं पूछेंगे ना, उतना जेपीएससी का एग्जाम थोड़ी यूपीएससी का कि उतना डेप्थ में जाके पूछेंगे। और लेट्स टेक फॉर स्कीम्स, तो स्कीम्स क्या है ना कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना अभी हेमंत सरकार, तो हेमंत सोरेन जी की जब से गवर्नमेंट आई ना 2019 से, तभी से मतलब वो स्कीम जो भी उसके बाद लॉन्च हुई ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसे 2019 से पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, और 2019 से बाद भी जो स्कीम्स वो इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे इंपैक्ट डालती है ना, जो कि मतलब से मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जो छात्रवृत्ति योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो मतलब एक लार्ज स्केल पे इंपैक्ट, वो सब इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी बहुत सारे स्कीम्स है जो कि लॉन्च हुई 2019 के बाद, तो सारे स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, हमने बस वही इंपॉर्टेंट स्कीम्स दिया जो कि एग्जाम पूछे जा सकते हैं, सेम पॉलिसीज, सेम अवार्ड, सेम मतलब पीपल इन न्यूज, पर्सनालिटीज इन न्यूज, तो हमने बहुत सेलेक्टेड करके करंट अफेयर्स दिया है, ये बहुत शानदार है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जाके, और ये किताब है, ये तो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी झारखंड जीके के लिए, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आप इन दोनों को मतलब पढ़ लीजिएगा, आपके 40 में से मैं गारंटी देता हूं कि आपके मतलब 80% आप हिट रेशियो इसकी रहेगी, मतलब हमने देखा है इसको जब हमने बनाया ना, तो हमारी अभी माही सीरीज की लेयर 2 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फाइन, अराउंड कल से स्टार्ट हो रही है लेयर 2 की, तो उसमें पीवाईक्यू बेस्ड है, तो मैं जेपीएससी के क्वेश्चंस देख रहा था, तो आई वाज वेरी मतलब फीलिंग प्राउड कि मतलब सारे क्वेश्चन इसमें से बन जा रहे थे जेपीएससी के, तो जो भी मैंने इसको बनाया है, तो मुझे लगा कि हाँ ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, और इसमें हमने क्या कर दिया है कि पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड डाल दिया है, कि जो भी मतलब इंपॉर्टेंट कुछ छूट गया है ना, तो जो भी मतलब पहले जो पूछा हुआ है या फिर जो भी एग्जाम से पूछे हुए, तो उसको भी हमने वन लाइनर फॉर्मेट डाल दिया, तो फिर आपके इससे बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम डेट्स को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं है, है ना, दो चीज करिए, अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा है 3-4 दिन वेट कर लीजिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए ऑल एंड गुड, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो प्लान बी सर्च करिए, है ना, अपना प्लान बी कि जैसे सीजीएल के अलावा आप कौन से एक जैसा एग्जाम है जहां पर भेट करके अपना मतलब जॉब लेने की कोशिश करेंगे। ओके, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट,
अपना सब कुछ एक एग्जाम पे दाव पे नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे सीजीएल का आपके एग्जाम्स अगर हो भी जाते हैं तो मतलब जब तक नौकरी नहीं लग जाए तब तक तो आप बेरोजगारी है ना। तो आप मतलब सब कुछ देखिए, उधर उधर मतलब दिमाग लगाइए कि मतलब आपके कहाँ पे और नौकरी लग सकती है। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, जैसे सीजीएल ही नहीं है, बिहार में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो वहाँ पर आप हिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत आरओ एआरओ की कुछ सीट आई हुई है, उसके एग्जाम्स की डेट्स बढ़ा दी गई फॉर्म भरने की, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल की एग्जाम्स होते ही रहते हैं, तो आप कुछ कुछ देखिए, है ना। ये नहीं बस जैसे मैं दूंगा तो जैसे सीजीएल ही दूंगा। इट्स अ हाई टाइम नाउ कि आप प्लान भी आप अपना तैयार कर लीजिए, है ना। अगर 3-4 दिन नहीं पढ़ सकते, आपके घर में छठ पूजा हो रही है या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके एग्जाम डेट्स के मतलब जो भी कंफ्यूजन के कारण, तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए एंड गेट योर प्लान बी एज सून एज पॉसिबल। ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।